दोस्तों पिछले व्लॉग में हमने सोनमर्ग का वीडियो अपलोड किया था जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अब हमारा सोनमर्ग से गुलमर्ग का सफर शुरू हो रहा है। सोनमर्ग से गुलमर्ग का डिस्टेंस तकरीबन 125 किलोमीटर का है और वहां पहुंचने में हमें तकरीबन 4 घंटे लग जाते हैं। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए इतना लंबा रास्ता मानो पल भर में ही बीत जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम गुलमर्ग पहुंचने की तैयारी में हैं। रास्ते में हम टनमर्ग पे रुके हैं जहां हम लंच करेंगे। हमने मटन रोगान जोश ऑर्डर किया है और चिकन मिर्ची कुर्मा। चलिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों लंच में तो बहुत मजा आया, अब हम जा रहे हैं गुलमर्ग की तरफ जो यहाँ से काफी करीब है। गुलमर्ग नाम का मतलब है मेडो ऑफ फ्लावर्स। यहाँ समर्स में आपको हर जगह पर बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। गुलमर्ग वैली हिमालयाज की पीर पंजल रेंज में सिचुएटेड है। गुलमर्ग में पार्क्स और छोटे छोटे लेक्स हैं जो पाइन और फर ट्रीज के जंगलों से घिरे हुए हैं। हम गुलमर्ग एंटर कर रहे हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि गुलमर्ग कितना खूबसूरत है। बस अब हमें बेसब्री से होटल पहुंचने का इंतजार है। तो दोस्तों फाइनली हम गुलमर्ग पहुंच चुके हैं। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, काफी ग्रीनरी है यहाँ पर। हम रोजवुड होटल में ठहरे हैं। आइए हम आपको हमारा रूम दिखाते हैं। यहाँ की विंडो से नजारा बहुत ही खूबसूरत है। और बाहर जो झरना दिखाई दे रहा है उसके पानी की आवाज दिमाग को बहुत ही सुकून देती है। ऐसा लगता है मानो घंटों वहीं बैठे रहें और उसकी आवाज को सुनते रहें। दोस्तों डिनर का टाइम हो चुका है, डिनर लग चुका है। आइए देखते हैं डिनर में क्या क्या है। डिनर की शुरुआत हम लेमन कोरिएंडर सूप से करेंगे। चिकन
चिकन रोगन जोश, ये दाल राजमा है, मटर मशरूम, और ये मेथी पनीर है। गर्मा गर्म स्टीम राइस, सैलेड्स और पापड़। तो ये था हमारा डिनर का मेनू। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। डिनर करने के बाद हम होटल के बाहर जो झरना बह रहा है वहाँ बैठ गए काफ़ी देर तक, मानो माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो गया हो, शहर के शोरगुल से दूर। बहुत ही अच्छा लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रात में हम थकावट की वजह से जल्दी सो गए थे, ट्रैवलिंग की वजह से काफ़ी थकान थी। सुबह हम अभी ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं, तो आइए देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। काफ़ी भूख लग रही है। ब्रेकफास्ट की शुरुआत हम फ्रूट से करेंगे। यहाँ चोकोस है, कॉर्नफ्लेक्स है, चाय, कॉफी, ब्रेड बटर जैम जो हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। चाहे ब्रेकफास्ट में कितनी भी वैरायटीज हो, ब्रेड बटर जैम तो हम जरूर खाते हैं। यहाँ ढेर सारे बॉइल्ड एग्स हैं। आलू की भाजी और पूरी भी है। आलू टिक्की है स्माइलीज के शेप में, ये हमें बहुत अच्छे लगे। मसाला मैगी और उपमा भी है। तो ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। दोस्तों आइए केबल कार राइड की सैर करते हैं, जिसे गोंडोला भी कहा जाता है। दोस्तों ये आ रही है केबल कार और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है। बैठने के पहले तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। फेज वन है ये सी लेवल से 10,500 फुट जाता है, जो फेज टू है वो 14,500 फीट पे जाता है। ये एशिया में नंबर वन केबल कार है जो इतनी हाइट पे जाता है। तो इस वक्त हम 13,500 फीट ऊपर हैं? नहीं सर, इस वक्त हम जा रहे हैं 10,500 फीट पे। फेज वन कोंगडोरी उसका नाम है, जगह का नाम जहाँ पे ये ड्रॉप करता है सर। केबल कार में बैठ के हम पहाड़ी के ऊपर तक पहुंच गए हैं, जो 10,500 फीट ऊपर है। यहाँ से नजारा बहुत ही खूबसूरत है, चलिए देखते हैं।
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ऐसे लगता है हम किसी तस्वीर के आगे खड़े हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है, ये बेस्ट सीजन है कश्मीर आने के लिए अगर आप ज्यादा सीन नहीं देखना चाहते। इस बीच हमने यहाँ एक वेल देखा जिसे सेवन स्प्रिंग्स कहा जाता है। यहाँ 7 स्प्रिंग्स का पानी इकट्ठा होकर आता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पानी में बहुत सारे हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं और इसे हमें पीना चाहिए, तो हमने सोचा चलो ट्राई किया जाए। और जैसे ही हमने पानी में हाथ डाला तो बाप रे बाप, जैसे बर्फ का पानी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज गुलमर्ग में हमारा आखिरी दिन है, हम थोड़ी देर में पहलगाम के लिए निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हम मिनी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, वहाँ हॉर्स पर बैठ कर जाया जाता है। रास्ते में हमें कुछ रैबिट्स भी मिले हैं।